जी चांसेस आप आना पाते हो आज जो है आज जो है मैं सबसे पहले महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमारे गुहाना में पहुँच कर जो सुंदरकांड का आयोजन है उसकी बहुत बड़ी शान और शोभा बढ़ाई है। आज भगवान श्री राम के मंदिर बनने उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सुंदरकांड हो रहा है और आज राम मंदिर का जो है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को, उसके बाद पूरे देश में नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा देशों में, दूसरे देशों में, पूरी दुनिया में राम में हुआ है और भगवान राम का जय श्री राम का नारा हो रहा है और आज सारा देश भी और दुनिया भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की है वो 500 साल के इंतजार के बाद वो हुआ है और हमारा जो देश है ये पहले से राम में है। भगवान राम के नाम से हम काम शुरू करते हैं, चाहे हमारा जन्म हो चाहे कुछ भी हो, हम भगवान श्री राम के नाम से ही आगे बढ़ते हैं और उसका अयोध्या में अगर मंदिर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, इसका 500 साल का इंतजार और आज वो हो चुका है और पूरी देश में और दुनिया में आज भगवान राम के प्रोग्राम जो है उनको उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो। कल पार्लियामेंट का भी पूरा सेशन हमारा एक दिन का भगवान श्री राम के मंदिर पर है आर्गुमेंट, जिसमें लोगों ने अपनी बातें कही और पूरे सब उन्हें भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर हुई है उसका स्वागत किया। सर किसान दोबारा से दिल्ली कूच की तैयारी कर चुकी है, तैयारी में है और हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हरियाणा सरकार एक बार फिर किसानों से डरी हुई है, ऐसा है क्या वार्ता से उनकी बात का समाधान नहीं हो सकता? ऐसा है, किसानों के लिए जितना काम ये सरकार कर रही है, सबसे ज्यादा MSP पर जो माल है वो हरियाणा खरीद रहा है और उनकी जो भी समस्याएं हैं प्रधानमंत्री किसानों के प्रति सचेत है, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे हर किसान के खाते में 6,000 रुपये देने की बात हो, उसे बातचीत करके मुख्यमंत्री जी उसे सुलझा लेंगे, कुछ किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। सर किसानों से बातचीत भी हुई है, लगातार वार्ता विफल हो रही है, तो किसानों की मुख्य मांग है MSP, इस पर क्यों नहीं सरकार चिंता कर रही है? ऐसा है, MSP हम हरियाणा सबसे ज्यादा दे रहा है पूरे देश में और हम इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। पहले खाद की कमी होती थी, आज खाद की कमी नहीं है, उसके रेट भी हमने सस्ते और हर तरह से किसानों की मदद की जा रही है। काफी लोगों ने आज जो है बीजेपी ज्वाइन भी की है और आज जो बहुत सारे लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, मैं उनका बीजेपी में स्वागत करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ उनका मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। बहुत बड़े संगठन कांग्रेस से कुंडी वो भी ज्वाइन करने सोच रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं और जो हमारे 3 महापुरुषों को अभी कल 2 दिन पहले ही भारत रत्न दिया गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, किसानों के इसमें मसीहा माने जाते हैं और उसमें नरसिम्हा राव, माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जो रहे हैं उनको, और स्वामीनाथन जी जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, उन तीनों की मैं उनको भी बधाई देता हूँ। किसी और राजनीतिक दल को मिल सकता है सर जो दिए जा रहे हैं रत्न, किसी और नेशनल पार्टी को नहीं मिलती है, नेताओं को मिलती है। हाँ, नेताओं को मिलते हैं, ऐसा है अभी चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, ये जो भी है जिसका इसका प्रोसीजर होता है भारत रत्न देने का, इसे जो लाल किशोर आडवाणी जी थे उसके तहत ये दिया जाता है। धन्यवाद, ठीक है।